बड़ी खबर है झांसी से, जहां झांसी से निकलने वाला है अतीक का काफिला। ये बड़ी अपडेट आई है, पुलिस लाइन से निकलने वाला है काफिला। और जहां जहां से कॉन्वॉय अतीक अहमद का होकर गुजर रहा है, भामा अतीक अहमद कोई बयान देने से परहेज नहीं कर रहा है। इस बीच जी न्यूज की एक बड़ी टीम लगातार इस कॉन्वॉय का पीछा कर रही है। मयूर शुक्ला मेरे साथ है। मयूर, मयूर क्या डिटेल? अब बिल्कुल देखिए, झांसी पुलिस लाइन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो काफिला है अतीक अहमद का, वो अब निकलने वाला है। लगभग एक घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है जब अतीक अहमद को झांसी पुलिस लाइन लाया गया था। और आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं, जो कॉन्वॉय है उसका, वो अब फिर से खड़े हो गए हैं। और लगभग 6 से 7 घंटे का समय, बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए 6 से 7 घंटे का समय लगेगा, जब प्रयागराज कोर्ट में उसको पेश होना है आज। और लगभग 4 बजे का जो समय बताया जा रहा है कोर्ट में पेश होने का, और उसका भाई जो अशरफ है उसे भी बरेली से लाया जा रहा है प्रयागराज पेश होने के लिए। तो अभी फिलहाल झांसी पुलिस लाइन से हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं कि कुछ देर में, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है, और कुछ देर में यहां से अब अतीक अहमद को लेकर लाया जाएगा। तो बड़ी सुरक्षा में साबरमती जेल से लगातार लेकर लाया गया, और रात भर गाड़ी चली है चुकी, तो लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय का यहां पर जो है रेस्ट लिया गया और रिफ्रेशमेंट का इंतजाम यहां पे है। तो फिलहाल अब अतीक अहमद को यहां से लेकर प्रयागराज लेकर जाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल मयूर, जहां जहां अतीक अहमद का काफिला वहां वहां जी न्यूज की बड़ी टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं इन पर नजर लगातार। लेकिन हमने देखा कि जब से इस काफिले को स्टार्ट हुआ है और प्रयागराज पहुंचना है, हर एक पड़ाव पर अतीक अहमद परहेज नहीं कर रहा बयान देने से। कई बयान उसके चौंकाने वाले, हैरान करने वाले सामने आ चुके हैं तब से अब तक। बिल्कुल मयूर, इसके पहले भी जब लाया गया था, जब भी मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तो अतीक अहमद ने बार बार यही कहा कि उसको जान का खतरा है, उसको मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। और आज भी जब जब उससे एमपी में बात करने की कोशिश की गई रात को, तब भी उसने ये बात को दोहराया कि उसका परिवार अब खत्म हो चुका है और उसकी जान को भी खतरा है। तो डर जरूर है, और ये बात का जो ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था सदन से कि मिट्टी में उस माफिया को मिला देंगे, तो वो जो डर है उसकी आंखों में देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल आज 4 बजे का जो समय बताया जा रहा है, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमारे सहयोगी ने वहां से दिखाई है, जहां पर इंट्रोगेशन जो है अतीक अहमद का होगा, वहां की तस्वीरें दिखाई और किस तरीके से फिलहाल आज जो है रिमांड मांगी जाएगी लगभग 14 दिनों की। अब देखना यह होगा कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है, और रिमांड मिलते ही 1 घंटे के बाद ही मयूर झांसी से निकलने के बाद क्या ये काफिला कहीं और रुकेगा या सीधा अब सिर्फ प्रयागराज? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी इसके बारे में, क्योंकि लगभग 7 घंटे का, 6 से 7 घंटे का समय प्रयागराज पहुंचने में लगता है, 400 किलोमीटर से ऊपर का ये पूरा रास्ता है। तो शायद, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे ऐसा कोई स्टे की व्यवस्था बीच में नहीं है, तो शायद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से ना रुके, क्योंकि देर ऑलरेडी हुई है। कल जब लेकर साबरमती जेल से निकला गया तो डूंगरपुर में गाड़ी खराब होती है, लगभग 7:30 बजे के अराउंड गाड़ी को रिपेयर किया जाता है, वो टाइम वहाँ पे वेस्ट होता है, और बीच में 2 जगह पर गाड़ियाँ रुकती हैं, उसके बाद बीच में कंस्ट्रक्शन का काम भी रोड पर चल रहा होता है, उसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। तो ऑलरेडी जो टाइम है वो ज्यादा निकल चुका है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे का जो समय बताया जा रहा था प्रयागराज कोर्ट पहुंचने का, अब उसको बढ़ा के 4 बजे कर दिया गया। तो अब देखना होगा कि 4 बजे तक, क्योंकि अभी ये काफिला यहां से निकला नहीं है, 1 घंटे से ऊपर का समय जरूर हो चुका है, अब देखना ही होगा कितनी देर में ये काफिला निकलेगा और बीच में रुकते हैं या नहीं, क्योंकि उम्मीद है। मयूर, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो प्लीज विजुअल्स दिखाइए। सिक्योरिटी में देख पा रही हूँ काफी पुख्ता है वहां पर, और अगला पड़ाव क्या होगा इस पूरे काफिले का, उस पर नजर होगी। और जहां जहां काफिला आवाम आज न्यूज की बड़ी टीम रिपोर्ट कर रही है, विजुअल्स दिखाई मयूर आप। हाँ बिल्कुल, विजुअल्स हम दिखाएंगे चारों तरफ के अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि पुलिस लाइन के बाहर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, और जहाँ जहाँ से ये कॉन्वॉय निकल रहा है वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अंदर की भी तस्वीरें एक बार जरूर दिखाएंगी, कुछ देर में यहाँ से रवाना होगा। और जो प्रिजन वैन है वो पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी से लैस है, बायोमेट्रिक से ये प्रिजन वैन खुलता है, यानी कि मैनुअली इस प्रिजन वैन को खोला नहीं जा सकता। इसी के साथ जो पुलिसकर्मी अंदर मौजूद हैं उनके कपड़ों पर कैमरे भी लगे हुए हैं, ताकि निगरानी पूरी की जा सके कि पूरी जो जर्नी है वो ऐसी रही, किसी तरीके की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ऐसे में पूरी जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। 2 प्रिजन वैन है, UP70AG4078 जो गाड़ी का नंबर है उससे अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है। और जिस थाना क्षेत्र में गाड़ी पहुंचती है तो जो पुलिस जो वहां की होती है उस थाना क्षेत्र की, वो उसकी जो जीप होती है वो आगे लग जाती है। तो ऐसे में चेंजेस लगातार होते जा रहे थे, और अब
एक घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन अभी फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो वैन सामने दिख रही है प्रिजन वैन, उसी में अतीक अहमद को अब आगे लेकर प्रयागराज जाया जाएगा। लेकिन अब उम्मीद इस बात की कम है कि अब शायद कोई स्टे हो, क्योंकि 6 से 7 घंटे का जो समय है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के होकर जाना है, वहां पर स्टे की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब शायद 4 बजे का जो समय बताया जा रहा है कोर्ट में पेश होने का, उस समय अतीक अहमद को पेश किया जा सकता है। हालांकि इसके पहले जब अशरफ को लेने बरेली जेल वारंट भी लेकर पुलिस पहुंची थी तो कुछ खामियां थी उसमें, उसमें सही दिन नहीं लिखा था, समय नहीं लिखा था, इस वजह से पेज फंसा और अशरफ को लेकर नहीं जाया गया। हालांकि इसके पहले जब प्रयागराज लाया गया था तो नैनी जेल भी लेकर जाया गया था, लेकिन इस बार कोर्ट में लेकर जाना है, 14 दिन की रिमांड वहां पर मांगी जाएगी। अब देखना ही होगा कि रिमांड कितने दिन की मिलती है। 1 घंटे के बाद इंट्रोगेशन उसके साथ शुरू हो जाएगा और तमाम सारे सवाल है जो उससे पूछे जाएंगे, जो उसकी पत्नी है, जो उसकी बहन है और जो उसका बेटा है लगातार फरार है। कोई अभी पुलिस की गिरफ्त से प्रयागराज लाने को लेकर क्या और डिटेल है, क्योंकि जानकारी ये भी है कि पूरी टीम निकल चुकी है उसे लाने के लिए भी, वहां से क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी अर्जी लगाई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी जो है वो हो सके, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। तो बरेली जेल से भी अशरफ को लेकर लाया जा रहा है, दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा और भी जो आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाया जाएगा जो गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो तमाम जो तथ्य हैं उनको खंगालने की कोशिश की जाएगी, जो आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं, जो उसके उसका जो बेटा है असद फरार है, उसकी जो पत्नी है, बहन है, और जो अशरफ की पत्नी है उसको भी आरोपी बनाया गया, तो इन सभी के बारे में जो भी पुख्ता सबूत है वो निकालने की कोशिश की जाएगी और पूरी सिक्योरिटी के साथ अतीक अहमद को लाया जा रहा है। इसके पहले भी जब लाया गया था, इसके पहले उमेश पाल का जो अपहरण हुआ उसमें ऑलरेडी उसको जो है उम्र कैद की सजा हो चुकी है और आंसू जरूर छलके थे पिछली बार अतीक अहमद के, लेकिन इस बार जब बात करने की कोशिश की गई रात को तो उसने फिर से वही बात दोहराई कि उसको जान का खतरा है, उसको डर है कि कहीं ना कहीं उसको उसके साथ भी कोई घटना हो सकती है। तो ये डर अब इस माफिया की आंखों में देखने को मिल रहा है और ये डर इस वजह से है, उस बयान की वजह से है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा और मिट्टी में मिलाने के लिए खौफ ज़दा है अतीक अहमद, उसके बयान इस खौफ को दर्शाते हुए। मयूर आप पुलिस लाइन से रिपोर्ट कर रहे हैं लाइव, और जो प्रिजन वैन है किस तरीके से वो हाईली सिक्योर्ड है, आसपास की जो पूरी लोकल पुलिस है वो किस तरीके से सहयोग कर रही है, कितनी देर में पुलिस लाइन से रवानगी होगी इस पूरे काफिले की, इस पर निगाहें बनी हुई है। 9:16 हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है टेंटेटिवली कब तक पूरा कॉन्वॉय फर्दर मूव करेगा, आगे मूव करेगा मयूर? बिल्कुल उम्मीद है कि अब 10 मिनट के अंदर ही ये निकले, क्योंकि जो जब यहाँ पहुंचा था कॉन्वॉय तो 1.5 घंटे का समय बताया जा रहा था कि 1.5 घंटे रिफ्रेशमेंट्स लेना है, रात भर गाड़ी चली है, थोड़ा रिलैक्स भी अतीक अहमद को कराना है और उसका मेडिकल चेकअप भी होना है कि कोई उसको दिक्कत तो नहीं हुई। तो ऐसे में लगभग 1.5 घंटे का समय जो बताया जा रहा था वो पूरा होने वाला है। तो उम्मीद है कि 10 मिनट में, क्योंकि जो पूरा काफिला है वो अब तैयार हो चुका है, जो गाड़ी साबरमती से चली थी प्रयागराज पुलिस की वो डायरेक्ट जो प्रयागराज जाएगी, उसमें जो फ्यूल की कमी थी उसको भी पूरा कर लिया गया है। अब कुछ देर में यहां पर 10 मिनट में काफिला निकलेगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए 6 से 7 घंटे का जो समय बताया जा रहा है उस समय जब प्रयागराज कोर्ट में जब पहुंचेंगे उसके बाद अर्जी जो है दाखिल की जाएगी रिमांड पे लेने के लिए, और 1 घंटे के बाद ही पूछताछ शुरू हो जाएगी। और जी मीडिया की टीम ने उस कमरे में जाके जहां पर इंट्रोगेशन ये होना है, जहां पर कुर्सियां लगाई गई, जहां पुलिस के अधिकारी बैठेंगे, जहां पर आमना सामना किया जाएगा, हमारे सहयोगी ने अभी दिखाई कि किस तरीके से अंदर से जहां पर उससे पूछताछ हुई, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जी मीडिया के पास है। तो लगातार जो है साबरमती जेल से पूरे इस काफिले को फॉलो करते हुए पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, और कुछ देर में अब अतीक अहमद जब यहां से निकलेगा तो लगातार हम उसको फॉलो करेंगे। और जो डर है अतीक अहमद से बात करने का भी एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जब भी उससे बात करने की कोशिश की गई वो मीडिया के कैमरों से भागता हुआ नजर नहीं आया, वो अपने बयान लगातार दे रहा है कि उसको डर है, उसको जान का खतरा है। तो ये जो डर, ये जो खौफ होना चाहिए, जो पहले शायद नहीं हुआ करता था, वो खौफ देखने को मिल रहा है। तो योगी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि जरूर मानी जा सकती है, और जिस तरीके से सीएम ने ये बात कही थी कि मिट्टी में इस आतंकी को, माफ कीजिएगा, इस माफिया को मिला दिया जाएगा, तो वो भी यहां पर अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल असद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और जो उसकी बहन है जिसको आरोपी बनाया गया है, और अशरफ की जो पत्नी है उसको भी आरोपी बनाया गया, ये सब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। तमाम चाहे पुलिस की जो टीम्स हैं उनकी बड़ी जो टीम्स बनाई गई है, हम विश्वास भी देख पा रहे हैं झांसी पुलिस लाइन से लाइव रिपोर्ट आप कर रहे हैं, ग्राउंड की तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं। मयूर हलचल बढ़ती हुई, किसी भी वक्त किसी भी मिनट जो है काफिला वहां से फर्दर मूव कर सकता है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है।
और बड़ी खबर यह है कि बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा अशरफ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक तरफ अतीक और एक तरफ भाई अशरफ, दोनों को प्रयागराज लाया जा रहा है। बरेली जेल के बाहर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। किसी भी वक्त अशरफ को लेकर निकलेगी पुलिस की टीम, ये रवानगी पहले ही हो चुकी थी। जी न्यूज ने आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। अशरफ को भी इस हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप में प्रयागराज लाया जा रहा है। और अब ये पूरी उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जो पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा कि दोनों भाइयों का आमना सामना भी करवा दिया जाए। अलग अलग जेल में बंद होने की वजह से सालों बाद कुछ दिन पहले जब प्रयागराज दोनों को लाया गया था उमेश पाल अपहरण केस में, तब दोनों की मुलाकात हुई जिसमें दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब इसी में हत्या मामले में जब दोनों को वापस यानी वारंट 2 के तहत वापस लाया जा रहा है, तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोर्ट में पेशी होगी तो कितनी रिमांड अशरफ की मांगी जाती है, क्योंकि 14 दिन की रिमांड अतीक की मांगी जाएगी, ये फिलहाल जो जानकारी मिली है। और अब दोनों भाइयों को जब एक ही मामले में लाया जा रहा है प्रयागराज, तो फिर ये पूरी संभावना है कि हो सकता है कि आगे चल के कस्टडी में पूछताछ के दौरान दोनों का आमना सामना कराया जाए। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए झांसी पुलिस लाइन के बाहर की तस्वीर, हलचल तेज हो गई है। किसी भी वक्त अतीक अहमद को लेकर पुलिस की टीम वहां से निकल सकती है और सीधा लगभग 6 से 7 घंटे का समय है जब प्रयागराज पहुंच जाएगा ये काफिला। और वहीं बरेली की तस्वीर आप देखिए, अशरफ को भी लाया जा रहा है प्रयागराज। तो अतीक से पूछताछ की तैयारी पर बड़ा अपडेट आ रहा है। जी न्यूज की नजर इस कवरेज पर लगातार है। पुलिस से तैयार की 150 सवालों की एक लंबी चौड़ी सूची, वो सवाल जवाब होंगे, वो इंटरोगेशन का दौर शुरू होगा। अभी फिलहाल अपडेट ये आ रहा है कि रिमांड के फौरन बाद शुरू हो जाएगी आगे की पूछताछ। प्रयागराज पुलिस लाइन में ये पूछताछ होगी। अभी फिलहाल जो काफिला है अतीक अहमद का, वो पुलिस लाइन झांसी में है जहां से कभी भी किसी भी क्षण रवानगी हो सकती है। वहीं भाई अशरफ का काफिला बरेली से निकलता हुआ वो भी प्रयागराज पहुंचेगा। भारी सुरक्षा के बीचों बीच दोनों भाइयों का काफिला जो है प्रयागराज की तरफ मूव करता हुआ, रिमांड के फौरन बाद शुरू होगी पूछताछ, ये लगातार जानकारी इस बीच ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। प्रयागराज पुलिस लाइन में ये पूछताछ की जाएगी, तैयारी पूरी है। फिलहाल जो पुलिस लाइन है झांसी की, वहां पर अतीक अहमद का जो प्रिजन वैन है भारी सुरक्षा के बीचों बीच मौजूद। और ये बड़ी जानकारी भी है कि आज 4 बजे लगभग पेश किया जाएगा कोर्ट में। Zee News.